नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस मीडिया। जैसा हम लोगों ने एक शो स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक्सप्रेस टॉक, उसी की कड़ी में आज हमारे साथ घनश्याम ओझा जी हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके साथ साथ एक स्कूल के संचालन करता भी है। हम लोग एक, जैसे मैंने बताया कि ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता लगभग 15 वर्षों से कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पत्रकारिता जो जर्नलिज्म है वो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और आज के डेट में पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे तत्व हो गए हैं और जिसका परिप्रेक्ष्य चेंज हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कह लिया जाए, डिजिटल मीडिया हो गया है। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था और कुछ एक दो चैनल होते थे जो सैटेलाइट के माध्यम से आते थे, लेकिन आज के डेट में कोई घटना हुई नहीं, तुरंत आपको ऑनलाइन मोबाइल पर तुरंत मिलना चालू हो जाता है। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि जो एक पत्रकारिता था जी, उसका एक सिस्टम चेंज हो चुका है, उसका मॉड्यूल चेंज हो चुका है, और जो ये दिशा जा रहा है, और आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, बहुत सारे लोगों की नौकरी खतरे में है। पहले क्या होता था कि लोगों को ये होता था कि यार मैं बहुत अच्छा लेखनी लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा एंकर हूँ, वो सारी चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आप टॉपिक बोलो वो कंटेंट लिख दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो बना दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पत्रकारिता जो हम जैसे लोग हैं क्या वो ख़त्म होने वाले हैं, कि या कुछ रहेगा अस्तित्व? मेरा जहाँ तक मानना है, पत्रकारिता जो है हिंदी के दो शब्दों से मिलकर के बना है, पत्र धनकार, जो जिनका पत्र से लेखनी से आकार हो, जो आकार दे सके, ऐसे लोगों को पत्रकार या पत्रकारिता से हम इसको जोड़ते हैं। फिर आता है बात पत्रकारिता आज के दौर में जो है, ये दो खंडों में डिवाइडेड है, एक तो हुआ आपका प्रिंट और दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसा बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक के आने से अब प्रिंट मीडिया एकदम से समाप्ति हो चुका है। हाँ होगा, इस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ गिरावट जरूर आई हुई है। और जहाँ तक डिजिटल की बात किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 2014-15 से पहले एक दो चैनल रहा करते थे हम लोग शुरुआती दौर में, जब मानते थे कि DD1 DD2 बस इतने तक ले जानकारी थे, फिर बीच में कुछ और चैनल्स आए जो DDH के माध्यम से जो है दिखाई पड़ते थे। अब आज क्या है कि इतने बड़े बड़े जो चैनल हैं, इन सब चैनलों की पूरी जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन जो सोशल मीडिया जब से आ गया है 2015 के बाद से, मल्टीमीडिया हर लोगों के हाथ में मोबाइल हो चुका है, तो इससे कहा जा सकता है कि थोड़ा इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ है, और साथ ही साथ कहीं न कहीं से आज पत्रकारिता की गिरावट भी आई है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को पत्रकारिता से जोड़ रहा है, पत्रकार बन रहे हैं। तो ऐसे में बड़े सावधानी पूर्वक और सत्यता को परख करने के बाद ही किसी चीज़ को हमको दिखाना चाहिए। अच्छा, ये और दिखाते वक्त ऐसा भी ना हो कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं इससे किसी के जो है मान सम्मान या बहुत इसका बुरा असर पड़े। आप थोड़ी देर पहले की प्रिंट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है जी। प्रिंट मीडियम होता क्या कि आज कोई घटना घटित हुई तो उसको आप प्रकाशित कल करेंगे, आज छापेंगे पेपर में जी, उसको कंटेंट लिखेंगे, कल जाके वो मार्केट में जाएगा जी। अब आपको सपोज करिए दिल्ली में कोई न्यूज़ पहुंचाना है तो पेपर दिल्ली जाएगा तभी लोगों को मिलेगा, लेकिन जो ये डिजिटल मीडिया है या सैटेलाइट मीडिया है, कोई घटना आप लाइव टेलीकास्ट कर दे रहे हैं, कोई घटना को रिकॉर्ड करके आप तुरंत व्हाट्सएप या टेलीग्राम या यूट्यूब के मार्फत से भेज दे रहे हैं, तो क्या ये सटीक सही चीज़ नहीं है? नहीं, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, नहीं नहीं जैसे मैं ये गलत चीज़ सही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहाँ तक सही है प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। नहीं, दोनों अपने अपने क्षेत्रों से सही है, प्रिंट भी अपने स्थान पर सही है और डिजिटल भी अपने स्थान पर सही है। अब डिजिटल में है कि किसी प्रकार का उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, शब्दों का तोड़ मरोड़ आप एंकरिंग में कर सकते हैं, लेकिन जो लीगल जो वीडियो है या फोटो है उसमें आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी बात ओझा जी ने जो बहुत सही बताया कि आप शब्दों को चयन इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन उद्देश्य है उस कॉन्सेप्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा आज का सीरीज पत्रकारिता पर, जो हमारे साथ घनश्याम जी थे, और इसी तरीके से हम लोग एमिनेंट और वर्सेटाइल पर्सनालिटी जो डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्रेस मीडिया और इस शो का नाम था एक्सप्रेस टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।